हर हर महादेव। बनारस में सजावट ऐसी जैसे दुल्हन के यहाँ बारात आने से पहले उसका लॉन या बैंक्वेट सज धज कर एकदम तैयार हो बारातियों के स्वागत को। कुछ ऐसा ही G20 समिट में आए मेहमानों के स्वागत के लिए अपनी काशी बनारस वाराणसी सज धज कर एकदम तैयार है। आइए तीनों लोगों से प्यारी और न्यारी काशी की सजावट को देखते हैं। ये देखिए बनारस में फिर से दिवाली जैसा माहौल है। आप देख रहे हैं सुंदरता कितनी ज़बरदस्त है। हर तरफ झालर झूमर, चाहे वो प्राइवेट मकान हो किसी का निजी या फिर सरकारी जगह हो, ये सिर्फ और सिर्फ G20 के उपलक्ष्य में। आप सोचिए कि पूरे बनारस को, पूरे काशी को एक बार फिर से सजा दिया गया है। जैसे दिवाली में काशी सजती है, लोग अपने अपने घरों को अपने पैसे से सजाते हैं, लेकिन सरकार ने अपने पैसे से, सरकारी पैसे से, हालांकि वो पैसा भी हम ही लोग का होता है लेकिन इनडायरेक्टली वो सरकार का पैसा है, उस पैसे से सजाया है। आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स, इधर गमला लग रहा है, गमला लगे हुए हैं और हर दीवारों पर आप देख सकते हैं लाइट लगी हुई हैं। कुछ दिखाई दे रहा होगा अच्छे से कि हर जगह लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट अच्छे से लगी हुई हैं। ये नज़ारा देखिए, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। तो एक बार फिर से काशीवासी दिवाली का माहौल देख रहे हैं अपने बनारस में, काशी में देख रहे हैं हर जगह झालर। ये नया पुल बनने को तैयार है, बनकर अभी थोड़ा काम बाकी है इस पर भी, जो कि अभी बन रहा है पुल, उस पर भी झालर देखिए लगाई गई और दीवारों पर पेंटिंग पोस्टर्स लगाए गए हैं। अभी और आगे बढ़कर दिखाते हैं कि जो बारात सजी होती है वैसे पूरी सज धज के लाइटिंग के साथ तैयार है। नज़ारा देखिए वाराणसी सिटी स्टेशन का, बेहद ही खूबसूरत। और सिर्फ G20 समिट जो सम्मेलन है उसमें जो अतिथि आए हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो रास्ता है बाहर का वो खिड़किया घाट जाता है और खिड़किया घाट जाना है अतिथियों को, इसलिए वो सजाया गया है इसको। हालांकि कुछ विशेष अवसरों पर सजता है, जैसे कि 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त को भी। देखिए बाहर से भी नज़ारा देखिए, इधर भी ये भी सजाया गया है पूरा, बेहद ही खूबसूरत पूरा दिवाली। और लोगों ने इस साइड अपने घर भी और मंदिर हैं तो मंदिर भी, इस साइड देखिए आप अपने घर मंदिर प्रतिष्ठान भी सजाए हैं लोगों ने भी। और इस साइड देखिए, इस साइड का नज़ारा देखिए आप तो दिख रहा होगा, ये भी सजाया गया है, ट्रेन थीम दिया गया है यहाँ पर, बेहद ही खूबसूरत ये भी थीम है। और पूरा लाइटिंग देख के इसको भी दिखाया गया है, सजाया गया है, चित्रकारी भी दिखाई गई है। ये देखिए बेहद खूबसूरत। आप देख सकते हैं और इधर लोगों ने घर भी अपने सजाए हुए हैं। तो आप समझिए पूरा दिवाली, ये पूरा दिवाली देखिए, एक एक घर, कुछ एका दुका घर छोड़ के सारे घर लगभग सजे हैं, क्योंकि यहाँ दूसरे पंथ के लोग भी रहते हैं इसलिए शायद वो नहीं सजाए होंगे। और इधर देखिए फिर से, क्या ही खूबसूरत, क्या ही कहा जाए इस खूबसूरती को, ज़बरदस्त, बेहद खूबसूरत। ये देखिए बेहद खूबसूरत। इधर भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु और ये सुभाष चंद्र जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये सब, और पूरा जगह टिमटिमा रहा है, चमक रहा है। ये देखिए चौका घाट पुलिस चौकी पर आ गए हैं, मतलब इधर की तरफ, और इधर ऊपर पानी टंकी है, आप देख सकते हैं ऊपर पानी टंकी है और नीचे भी बेहद खूबसूरत नज़ारा है महान विभूतियों का। ये भी नज़ारा आपको दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ लाइन से महान विभूतियों का। अब आगे बढ़ाते हैं गाड़ी और आपको नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं। नाम भी लिखा हुआ है
पढ़ते जाइए। बेहद ही खूबसूरत संत साधु महात्मा और देखिए वाल्मीकि जी हैं, देखिए पूजा भी चल रही है अंदर, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। बेहद भी देखिए कबीरदास जी भी आगे हैं, रामानुजन जी भी हैं, संत रविदास जी भी हैं, मीराबाई भी हैं और इधर और आगे मुरारी बापू, आदि गुरु शंकराचार्य और ये ध्यान मुद्रा अवधेश आनंद ये सब। ये देखिए ये डी पेरिस की दीवार है, डी पेरिस होटल और सूर्य नमस्कार का पोजीशन शुरू से लेकर अंत तक जो पोजीशन होता है पूरा वो दिखाया गया, बेहद ही खूबसूरत हम देख सकते हैं सूर्य नमस्कार करते हुए पोजीशन पूरा एक चक्र में दिखाया गया है, बेहद ही खूबसूरत। और इधर जी एच वी मॉल, नेहरू पार्क,